होली के लिए रंग गुलाल पिचकारी का बाजार सज गया है। वहीं कॉलोनियों में होली के डांडे भी लग चुके हैं। इस बार केमिकल रंगों के बजाय लोग सुगंधित गुलाल की मांग ज्यादा कर रहे हैं, जिससे शरीर को नुकसान न पहुंचे। पुलिस विभाग ने भी होलिका दहन की रात और अगले दिन धुलंडी पर शहर में सुरक्षा के इंतजाम को लेकर तैयारी कर ली है। होली का रंग फीका न पड़े, इसको लेकर व्यापारियों ने भी विशेष तैयारी की है। पिछले 2 साल से हर त्योहार व्यापारियों के लिए फीका रहता था, लेकिन इस साल बाजार बेहतर है। रंग पिचकारी गुलाल की बिक्री जमकर हो रही है। हालांकि इस साल सभी आइटम पर महंगाई की मार है। बच्चों के लिए गुलाल उड़ाने वाली पिचकारी शामिल है। बच्चों को खासकर बौछार वाली बंदूक, स्पाइडरमैन पिचकारी, बटरफ्लाई पिचकारी का खास क्रेज है, जो बच्चे बहुत ही पसंद करते नजर आ रहे हैं। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। होली का त्यौहार नजदीकी आते हैं, व्यापार की क्या स्थिति रहेगी? व्यापार स्थिति अभी थोड़ी डाउन है। अभी जिन लोगों ने खेती किसानी में लगे हैं, चने की कटनी में, तो अभी धंधा बिल्कुल नहीं है, कमजोर है। अभी रंगों में विशेषकर कौन सी डिमांड ज़्यादा चल रही है? गुलाल ही बिकते हैं अधिकतर। अभी केमिकल वालों की डिमांड कुछ ज़्यादा है? नहीं नहीं, वो बिकना बंद ही होगा। पहले बिकते थे एक ज़माने में, अब तो बंद ही होगा। अभी रंगों में कीमत वगैरह में कुछ अंतर? कीमत वो ये पुरानी है। पर पैकेट क्या रहेगा? 5 रुपये 10 रुपये। इस साल क्या उम्मीद लग रही है होली के त्यौहार? हल्का लग रहा है बाजार। अभी बाजार की पेपर भी है, बच्चों के एग्ज़ाम भी है, तो उसकी वजह से मार्केट की स्थिति को समझ में नहीं आ रही। जब तक एग्ज़ाम बच्चों के पूरे नहीं हो जाते, जब तक बच्चे का उत्साह रहता है कि लेने का, वो है नहीं अभी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।